आइए जानते हैं काजू से होने वाले बेमिसाल फायदों के बारे में। दोस्तों, काजू का हम सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ स्वाद लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर सुनते आए हैं कि काजू खाने से हमारे शरीर को अनेकों फायदे होते हैं, और ये सच भी है। इसलिए बहुत से लोग काजू का सेवन रोजाना भी करते हैं। साथ ही काजू की इसी खूबी को देखते हुए काजू को मिठाई के अंदर और काजू के डिब्बे को लोग गिफ्ट में भी देना खूब पसंद करते हैं। लेकिन काजू के सेवन से जुड़ी कुछ जानकारी हम सभी को होनी चाहिए, जैसे कि हमें किन समस्याओं से फायदा होता है और काजू का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको काजू खाने से होने वाले बेमिसाल 6 फायदों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी के इसके बेमिसाल फायदों के बारे में, जिनमें पहला फायदा है दोस्तों, वजन को कम करना। यदि आपका वजन ज़्यादा है, आप मोटापा से ग्रसित हैं और अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो काजू का सेवन कीजिए। काजू में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद होता है। यह फाइबर युक्त भी होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की शक्ति भी होती है। दूसरा फायदा, अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो काजू को दूध में भिगोकर सेवन कीजिए। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कब्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है। इसके लिए दूध में काजू को भिगोकर रख दें और करीब 4 से 5 घंटे के बाद इसका सेवन करें। इससे बहुत ही जल्द कब्ज में आराम मिलता है। दोस्तों, आप इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हेल्थ वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तीसरा फायदा दोस्तों, काजू में मौजूद विटामिन के, मैग्नीशियम, कॉपर और फॉस्फोरस सभी हड्डियों के निर्माण, हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने और हड्डियों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कॉपर हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, जिससे उनके टूटने या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम हो जाती है। मैग्नीशियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी होता है। कुछ का उपयोग कर शरीर द्वारा फास्फोरस के साथ साथ हड्डियों की संरचना के निर्माण के लिए भी किया जाता है। चौथा फायदा, ऊर्जा से होता है भरपूर। दोस्तों, काजू एक ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थ है। यह ऊर्जा का स्रोत है जो आपको दिन भर में ताजगी देता है और आपकी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाता भी है। काजू में विटामिन बी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन और फाइबर के अलावा शामिल होते हैं। पांचवा फायदा, कैंसर से करता है बचाव। दोस्तों, कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए काजू मददगार भी होता है। दरअसल काजू के अर्क में एनर्कॉर्डिक एसिड पाया जाता है। एनर्कॉर्डिक एसिड कैंसर मेटास्टेटिस को रोकने में मदद करता है। छठा फायदा, पोषक तत्वों से होता है भरपूर। दोस्तों, काजू में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक व फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद भी होते हैं। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि छोटे से दिखने वाले काजू में पोषक तत्व का खजाना छुपा हुआ है। दोस्तों, आप काजू को सीधा भी खा सकते हैं, बेहतर ये होता है कि इसे भिगोकर खाएं तो ज़्यादा फायदा मिलता है। भिगोए हुए काजू आसानी से पच भी जाते हैं और उसमें कई पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन काजू खाते समय ध्यान रखने की जरूरत यह है कि काजू ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काजू अधिक मात्रा में खाने से पेट में गैस और अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए ध्यान दें कि कमी मात्रा में इसका सेवन करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे किसी अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।